देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर पुनः भरोसा मेरे ऊपर किया, और एंटी कम्बेंसी आपको दिख रही क्या? आपने नामांकन के समय देखा होगा कि मेरा एक एक कार्यकर्ता फार्म भरने को लालयत हो गया था। हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि हम अपने सिंपल तरीके से नामांकन करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा नेता और हम आपके परिवार के ही बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम नामांकन गाजेबाजी के साथ चलेंगे, बहुत शानदार तरीके से चलेंगे, तो कहीं एंटी कन्वेंसी वगैरह कहीं कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा भरोसा किया, हम पूरा परिवार एकजुटता के साथ चुनाव के मैदान में उतरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजना के भरोसे जनता से आशीर्वाद लेने निश्चित रूप से हम जा रहे हैं। माहौल है भाई साहब, कैसा लग रहा है? अब माहौल तो आज आपने भी देखा होगा, मीडिया के मेरे मित्रों ने देखा होगा कि बेजैन विकास का कभी रुकता नहीं है। हम लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब निवाड़ी को जिला बनाने की बात थी तो आपको याद होगा कि ये वही लोग थे जो जिले का विरोध करते थे, ये जिले मानने को स्वीकार ही नहीं करते थे। आपने देखा होगा कि एक बीच बाजार के गांधी चबूतरा पे एक डिबेट हुई थी, और डिबेट में कितने लोग इतिहास लेके आ गए थे कि जिला बन ही नहीं सकता, वो तो केवल एकमात्र धोखा करने के लिए, विधायक बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए झूठी घोषणा है। क्या जो झूठी घोषणा थी, क्या आज हम जिले मुख्यालय पर नहीं खड़े? क्या जिले का जो हम लोगों की जो तकलीफ होती थी, क्षेत्र की जनता की तकलीफ होती थी, वो क्या मेरी पार्टी के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उसको दूर नहीं किया क्या? आज लोगों को लगता है कि अगर भरोसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है, क्योंकि हम लोगों ने जो कहा वो करने का काम किया। आप पहले में और अब की निवाड़ी में कितना अंतर है खुद महसूस कर सकते हैं। निवाड़ी को नोएडा बना रहे हैं, आप क्या बनाओगे? अगर नोएडा अपने गरोठा को निश्चित रूप से बनाया होता तो आपको निवाड़ी मध्य प्रदेश में आना नहीं होता। गरोठा की जनता ही स्वीकार करती है, अभी नहीं देखा, अभी जब चुनाव लड़ा, अगर निश्चित रूप से आपने कुछ किया होता तो मेरे साधारण से जवाहर राजपूत जी ने उनको 30-40 हज़ार से अधिक वोटों से हरा दिया। अगर नोएडा बनता तो अब नोएडा उनसे ही पूछना भैया, नोएडा कैसे बनाया जाता? मुझे किसी दल से थोड़ी लड़ना है, लड़ाई हमारी कुछ और है। हम विकास के लेके कूद गए मैदान में, हमने पहले भी विकास का जो विजन था उस विजन पे खरा उतरने का हमने जो भरपूर प्रयास हो सका। आप बताओ कि जामनी बेतवा पुल पे कितनी कैजुअल्टी होती थी, कितने लोग काल के गाल समा गए, बसों की बसें गिर गई, और उस समय उनकी तकलीफ तो पूछो। बहनों को पानी नहीं मिलता था, बहनें घंटों तक लाइन लग के पानी भरने जाती थी, और कई बार तो झगड़े होते थे, महिलाएं लड़ पड़ती थी कि एक बाल्टी पानी भर जाए। आज हमने घर घर पानी भेज दिया, पहले शहरों में अकेला मिलता था, आज नल जल माननीय प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन की योजना के तहत हम लोगों ने घर घर मजरा टोलों पे पानी भेजने का काम किया, सड़कों के जाल बिछाए। हमने पिछली पंचवर्षीय में 18 से 20 करीब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के उन्नयन किए। अब हमने अगर शिक्षा स्वास्थ्य और अपने सड़कों के जाल बिछाए हों, घर घर पानी भेजने की व्यवस्था की हो, ये मेरा विजन है। अब मेरा एक और विजन है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो निश्चित रूप से मैं हर खत तक पानी भेजने की मेरी परिकल्पना है। देश के एसओसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैन बेतवा परियोजना लिंक को जो स्वीकृति प्रदान की है, तो हम जो चर्चा करते थे ना कि हरियाणा और पंजाब में खेती बहुत अच्छी होती है, वो मध्य प्रदेश की धरती में मेरी निवाड़ी विधानसभा बुंदेलखंड और मेरे ज़िले में ऐसे ही खेती होगी, और किसान अगर खुशहाल होगा, खेती संचित होगी, तो उनके चेहरे की खुशी से हम लोगों की खुशी चेहरे जनप्रतिनिधियों के अपने आप ही खुल। विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि भाजपा को भाजपा का भितरघात ही हरा देगा। आपको किसी ने गलत बता दिया। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, हमारा मंच बहुत बड़ा है। हम लोगों में अगर कोई बात होती है तो हम लोगों को बहुत कुछ समय नहीं उसमें गंवाना होता है, हम लोग फ़ोन पे ही बात कर लेते, हम घर में संपर्क कर लेते, हम एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर कर लेते, और हमारा कार्यकर्ता को बहुत मनाना नहीं पड़ता। हमारा कार्यकर्ता मैदान में आने में 5 मिनट का भी कम समय लेते, वो समझते हैं कि अपने भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, तो हम सब लोग एक परिवार के साथ लड़ते हैं। नजदीकी भाई साहब, फाइट किससे मानते हैं आप? अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई फाइट होती हो। जैसे अभी हम लोग गाँव में जा रहे हैं, लाडली बहना अगर शब्द मुँह से निकल जाए तो बहनों के चेहरे खिल जाते हैं। किसान बुजुर्गों से अगर बात करो कि प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि आपको मिल रही, तो किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। अब सारी योजनाओं के जब लाभ जनता जनार्दन तक पहुंच रहे हैं तो कहीं कोई टक्कर है क्या? अंदरूनी कुछ नहीं भैया, हम सब लोग एक हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।